हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस की दुनिया बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा एक इंट्रोडक्शन सेशन इसका जो फंक्शन हो रहा है उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फंक्शन आखिर होता क्या है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। जैसे हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका सिंबल ऐसा होता है fx, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो फंक्शन एक रिलेशन होता है, एक ऐसा रिश्ता जो दो वेरिएबल को कनेक्ट करता है। मैं इस fx की जगह y लिख सकता हूँ, एक ही बात है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि मैं x के वैल्यू चेंज करता जाऊँगा तो मुझे y के अलग अलग वैल्यू मिलते चले जाएंगे। अब रखने को तो x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि दुनिया का हर नंबर का कुछ तो स्क्वायर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो लोग कुछ भी नहीं पुट करें, इसलिए कई बार क्वेश्चन के साथ एक कंडीशन डाल देते हैं, f इज ए सेट फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। मतलब ये नेचुरल नंबर ही इसमें पुट करेंगे और जो आंसर आएंगे वो भी क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। तो गाइस, जब हमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो हम सिर्फ नेचुरल नंबर ही एक्स की जगह लेंगे। तो ये वाला जो नेचुरल नंबर का सेट यहाँ लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन सेट, और ये वाला जो सेट है इसको हम बोलेंगे कोडोमेन सेट। और दोनों के अंदर पूरे नेचुरल नंबर भरे पड़े हैं। गाइस, सारे तो लिख नहीं सकता मैं, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। मैंने 4-5 नेचुरल नंबर लिख के डैश 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 लगा दिया। कोडोमेन के अंदर भी सारे नेचुरल नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सारे यहाँ भी नहीं लिख पाऊँगा मैं। तो डोमेन सेट का जो पहला एलिमेंट है वो है मेरा 1। तो 1 को मैं यदि यहाँ पुट करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, f1, और यहाँ 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 1 की जो इमेज है वो 1 होगी, ऐसा हम बोलते हैं इमेज। 2 की इमेज क्या होगी, 2 का स्क्वायर 4, 3 की इमेज क्या होगी, 9, ये 3 की इमेज है 9, इज दैट क्लियर गाइस। 4 की इमेज होगी 16, 16 भी इसके अंदर आएगा। कुल मिलाकर के जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वही हमारी इमेजेज होगी, इज दैट क्लियर। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा और मैं बेहतर तरीके से लिखने का ट्राई करता हूँ। डायग्राम यही रहेगा, फिर से मेरा फंक्शन मैंने लिखा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मेरा डोमेन सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, इज दैट क्लियर गाइस, और ये मेरा कोडोमेन सेट के एलिमेंट है। इसमें सारे नेचुरल नंबर आएंगे, लेकिन पहले मैं उनको इकट्ठा कर लेता हूँ जो मेरी इमेजेस थी, जैसे 1, 4, 9, 16, ये मेरा इमेजेस वाला पॉइंट है। तो अब मैं यहाँ पर इमेजेज यदि वाला लिखता हूँ तो ये इमेजेज में इसमें डाल देता हूँ 1, 4, 9, 16, ये मेरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, 25, 36, कोई लिमिट इनकी भी नहीं है। तो ये जो मेरा सेट है ये कहलाता है रेंज, और ये जो हमारा ओरिजिनल सेट है, ये पूरा जो पूरा था कंप्लीट, ये हमारा कहलाता है कोडोमेन। तब आपको समझ आ गया होगा कि रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, उससे छोटा होगा, ये हमारा डोमेन सेट हो गया, इज दैट क्लियर गाइस। और ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर बाहर आएंगे, ये कोडोमेन के अंदर तो होंगे ही, लेकिन ये रेंज में नहीं होंगे। जैसे कि 2, क्योंकि इनमें से किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 6, जैसे 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ढेर सारे नंबर्स जो बाहर आएंगे, ये कोडोमेन के तो एलिमेंट है मगर रेंज के एलिमेंट नहीं है, इज दैट क्लियर गाइस। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना, फंक्शन होता क्या है ये मैंने इस एग्जांपल के थ्रू समझाया है। अब किसी भी रिश्ते को, किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे उसकी भी कुछ कंडीशन होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज करिए, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, f एक फंक्शन है,
अब यहाँ पर पहले तो क्या बोला था मैंने, एन टू एन मतलब डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन नेचुरल नंबर है, जरूरी नहीं कि इतने बड़े हों डोमेन और कोडोमेन। मैंने छोटा सा डोमेन लिया 1 2 3, मान लो ये मेरे डोमेन के एलिमेंट है, और कोडोमेन मैंने लिया 4 5, बस ये दो ही एलिमेंट मैं ले रहा हूँ। इसका मतलब 1 2 3 की जो इमेजेज है वो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, या तो किसी की इमेज 4 होना चाहिए या किसी की इमेज 5 होना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइस? सपोज करिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला, ये 1 2 3 तीनों यहाँ दिखा देता हूँ डोमेन के। 1 की इमेज है मान लो 4, 2 की इमेज है 4, 3 की इमेज है 5, चलेगा ना? ये तीनों कवर भी हो गए और इमेजेस भी मेरी आ गई। दो दो एलिमेंट की एक इमेज होगी तो चलेगा, कोई मेरे को दिक्कत इसमें नहीं है, तो ये फंक्शन बन गया। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, 1 2 3, तीनों की इमेज 4 है और ये 5 कोडोमेन का एलिमेंट है, ये कोडोमेन है पर ये किसी की इमेज नहीं है, चलेगा कोई बात नहीं। तो कोडोमेन का एलिमेंट किसी की इमेज नहीं है ये चल जाएगा, लेकिन डोमेन के किसी सेट की इमेज नहीं है ये नहीं चलेगा। मेरी बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5 और यहाँ पे 3 लिखा ही नहीं इसके अंदर, जबकि 3 डोमेन में है, तो यदि यहाँ 3 प्रेजेंट नहीं है तो मैं इसको फंक्शन नहीं बोल सकता गाइस। दिस इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन के लिए हर एलिमेंट डोमेन का यहाँ होना जरूरी है और उसकी इमेज भी होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज है तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। जैसे 1 की इमेज 4 को भी बोल रहे हो आप और इसी 1 की इमेज 5 को भी बोल रहे हो, ठीक है। ऐसा ही है कि एक आदमी ट्रेन में भी बैठा और उसी वक्त प्लेन में भी बैठा है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये चलेगा कि ये 2 आदमी एक साथ ट्रेन में बैठे हैं, ये 2 आदमी एक साथ प्लेन में बैठे हैं, आई कैन अलाउ दैट। 2 एलिमेंट का एक इमेज में अलाउ करूंगा, लेकिन एक एलिमेंट के 2 इमेज में अलाउ नहीं करूंगा। अगेन दिस इज नॉट ए फंक्शन। भले ही इसमें 2 की इमेज 4 है, भले ही इसमें 3 की इमेज 5 है, ये सारे होने के बाद भी ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज में अलाउ नहीं करूंगा। तो बस यहाँ पर ये 2 मेरे फंक्शन है। इज दैट क्लियर गाइस? अब मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल से कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, वो भी देखिएगा ध्यान से। एक छोटे से एग्जांपल, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए 3 बच्चे हैं किसी स्कूल में, उनके तीनों के फादर को बुलाया, इसके फादर आ गए, इसके फादर आ गए, इसके फादर आ गए। दूसरा केस, 3 बच्चे हैं, इनके फादर को बुलाया, इन दोनों के फादर एक ही हैं और इसके फादर ये हैं। इज दैट क्लियर? तो इस फंक्शन में आप देख रहे हो कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन। एक एलिमेंट की एक ही इमेज है और इसका एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन, एक ही बात है। और ये जो फंक्शन है इसे बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, क्योंकि यहां पर 2 एलिमेंट की हमें एक इमेज दिखाई दे रही है, तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया। और ये जो दोनों फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन कहलाएंगे, यानी कि ये वाला फंक्शन मेरा हो गया 1 1 ऑन टू और ये वाला हो गया मेरा मेनी वन ऑन टू। अब मैं बताता हूँ कि ऑन टू का मतलब क्या। ऑन टू का मतलब होता है कोई भी फालतू एलिमेंट यहाँ पर नहीं है जो किसी की इमेज ना हो, मतलब जो रेंज है वही को डोमेन है, यानी कि सारे एलिमेंट रेंज के किसी न किसी की इमेज है, या को डोमेन भी वही है तो ये सारे एलिमेंट कोई भी फालतू एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। और यदि कोई फंक्शन ऑन टू है तो इसका एक नाम और होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, याद रखिए। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल देखिएगा, ये
तीन बच्चे, इनके फादर को बुलाया, ये इसके फादर, ये इसके फादर, ये इसके फादर, ये तीन दोस्तों को वो लेके आ गए जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते ही नहीं हैं, मतलब ये इनवाइटेड गेस्ट नहीं थे एक तरह से, है ना। तो ये जो साइंस की तरफ से आए हैं ये इनवाइटेड नहीं हैं, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो है हमारा केस, इसके अंदर हम बोलेंगे इस फंक्शन को, वन वन तो है अभी भी लेकिन ये इन ऑन टू नहीं है, ये ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, इन टू फंक्शन कहलाएगा। और ये जो मेरा फंक्शन है, ये दो एलिमेंट की एक इमेज है यहाँ पर, ये इसकी इमेज ये है, तो ये जो फंक्शन मेरा कहलाएगा ये कहलाएगा मेनी वन। और यदि मैं दो तीन एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ डाल देता हूँ जो किसी की इमेजेस नहीं है, तो अभी भी क्या कहलाएगा, ये इनटू कहलाएगा। सो दिस इज वन वन इनटू, दिस इज मेनी वन इनटू। इज दैट क्लियर गाइस? एक बात और याद रखिएगा गाइस, कोई फंक्शन यदि ऐसा है, वन वन भी है ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन भी है ऑन टू भी है, यानी सब्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है। इस बात को मैं लिख लेता हूँ, इफ अ फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, देन इट इज बाइजेक्टिव। कई लोग इसको मजाक मस्ती में ऐसे भी बोल देते हैं, मजाक मस्ती क्या बात, तो सही है, बोलने का तरीका ऐसा भी है। इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन इक्वल टू बाइजेक्शन, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव दोनों मिला लें तो बाइजेक्टिव, यानी कि वन वन और ऑन टू दोनों है तो ये बनेगा वन वन ऑन टू। इज दैट क्लियर? एक और नया फंडा आपको सिखाना चाहता हूँ मैं, जिसमें हम बोलेंगे किसी फंक्शन का इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, ये इसका डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है। यहां पर डोमेन का एलिमेंट ले रहा हूं मैं ए और बी, और कोडोमेन का एलिमेंट ले रहा हूं पी क्यू आर, जिसमें ए की इमेज है पी, बी की इमेज है क्यू, और आर किसी की इमेज नहीं है। इज दैट क्लियर? अब इनवर्स का मतलब ये होता है कि यदि मैं इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं तो क्या मैं फंक्शन बना पाऊंगा क्या, सोच के देखते हैं। पी क्यू आर इधर ले लिए, ए और बी इधर ले लिए, जब मैं उल्टा बनाऊंगा तो इमेजेस वही रहेगी, मतलब अब की बार मैं बोलूंगा कि पी की जो इमेज है वो ए है, क्योंकि कनेक्शन तो इनका ही था दोनों का, और क्यू की इमेज है बी। अब यहाँ पर आर बेचारा रह गया और उसकी इमेज यहाँ पर नहीं है, और यदि आप इसको डोमेन बनाना चाहते हो तो ये पहली कंडीशन है कि हर एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। इसका मतलब ऐसे को मैं कभी इनवर्स फंक्शन नहीं बना सकता जिसमें कोई फालतू एलिमेंट हो, यानी कि वो इनटू फंक्शन हो। इसका मतलब इनवर्स के लिए पहली कंडीशन है फंक्शन कैसा होना चाहिए, ऑनटू होना चाहिए जिसमें कोई फालतू एलिमेंट ना हो। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, समझ में आएगी बात। ए और बी दो एलिमेंट है और यहाँ पर पी और क्यू, सिर्फ मैं पी ही ले लेता हूँ, एक ही एलिमेंट, ए की इमेज भी पी है, बी की इमेज भी पी है, कोई फालतू एलिमेंट यहाँ नहीं है, तब भी मैं इसका इनवर्स फंक्शन नहीं बना सकता। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यदि मैं इसको इधर लेता हूँ, इसको इधर लेता हूँ, तो ये मेरा पी इधर आ जाएगा और ए और बी इधर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो पी की इमेज ए और इसी पी की इमेज बी, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज भी तो हम अलाउ नहीं करते हैं। इसका मतलब ये भी फंक्शन मेरा नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन बनाने के लिए वन वन होना कंपलसरी है,
और ओन टू होना भी कंपलसरी है इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए, सॉरी। तो इसका मतलब एक फंक्शन का इनवर्स तभी बना सकते हो जब वो क्या हो, वन वन ओन टू हो। इज दैट क्लियर? इसी बात को हम मैथमेटिक्स वाले ऐसा बोल देते हैं, अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ इट इज वन वन ओन टू बाइजेक्टिव। इज दैट क्लियर? तो ये यहां पर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं साथ में ये भी सिखा देता हूं कि फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। मान लो इस फंक्शन का हमको इनवर्स निकालना है, तो उसका तरीका समझ लो। सबसे पहला काम ये करो कि इस एफ एक्स की जगह वाई लिख दो। पहली स्टेप क्या, एफ एक्स की जगह वाई लिख दो। दूसरी स्टेप, इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लो। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा वाई माइनस थ्री बाई टू। चाहो तो सोच के देख लो, थ्री इधर आएगा तो वाई माइनस थ्री अपॉन टू, ये एक्स का ही तो वैल्यू आएगा। अब वापस एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो, तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू। ये इनवर्स फंक्शन आ गया। इसका मतलब 2x प्लस 3 का इनवर्स फंक्शन होगा x माइनस 3 बाई 2। इस बात को हम मैथमेटिक्स में ऐसा भी लिखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो f इनवर्स x होगा x माइनस 3 बाय 2। इज दैट क्लियर? किसी को इस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा हो कि यार ये ऐसा सच में है क्या, तो एक एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। यदि मैं x को 1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, f 1, 1 2 जा 2 प्लस 3 5। इज दैट क्लियर? मतलब 1 की इमेज मेरी 5 आ रही है, 1 की इमेज आ रही है 5। अब मैं 5 इनवर्स फंक्शन में ये 5 इधर आ जाएगा, तो मतलब मेरा आंसर 5 पुट करने पे यहाँ 1 आना चाहिए। तो इनवर्स फंक्शन में यहाँ 5 पुट करके देखो, 5 माइनस 3 2, 2 अपॉन 2 1। मतलब ये फंक्शन ही ऐसा बन गया कि 1 की इमेज 5 है, तो वो 5 उसमें रखोगे तो उसकी इमेज वापस क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये इस तरह से इनवर्स फंक्शन बनाया जा सकता है। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम और क्वेश्चन लेते हैं और चीज़ें समझते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट किसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना, जैसे एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस सेवन। तो कोई आपसे पूछे एफ वन बताओ, वन पर इस फंक्शन का वैल्यू कितना है, तो बड़ा सिंपल है, टू इंटू वन प्लस सेवन का आंसर आ गया 9। टू पे वैल्यू निकालना है तो ये बनेगा टू इंटू टू प्लस सेवन, तो ये आ गया मेरा 11। इस तरह से मेरे वैल्यू आते चले जाएंगे। इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट। एक फंडा और होता है जिसे हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, या इसी का एक नाम और है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, जैसे पहला फंक्शन है मेरा 2x प्लस 7 और दूसरा फंक्शन एक और ले लेता हूँ, जी एक्स नाम दे देता हूँ 7x माइनस 3। ये नाम से मत घबराइएगा, फंक्शन ऑफ एक्स कुछ नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना पनीर का डिश, तो भाई मेरे उसमें पनीर तो होना चाहिए ना। तो फंक्शन ऑफ एक्स मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक्स होना चाहिए, उसके अलावा कितनी भी चीज़ें हो चला लेंगे, पर एटलीस्ट वो तो हो जिसका बोला जा रहा है। फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स होना चाहिए, जैसे आलू का डिश में एटलीस्ट आलू तो हो। समझ गए ना मेरी बात? तो जी एक्स ये एक दूसरा फंक्शन है, एफ एक्स एक दूसरा फंक्शन है, ये भी एक्स की डिश है, ये भी एक्स की डिश है, बस ये कि ये अलग डिश है और ये अलग डिश है। पनीर का ये वाला वेजिटेबल अलग है और ये पनीर का ये वाला वेजिटेबल अलग है, ऐसी बातें भी हो सकती है। अब कोई आपको बोले कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसमें डबल डबल आ रहा है, एफ भी आ रहा है जी भी आ रहा है,
तो मैं सिखाता हूँ इसका वैल्यू कैसे निकालना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, अब जी एक्स का वैल्यू ये रहा 7x-3, यहाँ पुट कर दीजिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए वाई लिख दो 7x-3 को। अब एफ एक्स, एफ वाला फंक्शन ये रहा, एफ एक्स क्या होता है 2x+7, तो एफ वाई क्या होगा 2y+7, तो ये हो गया मेरा 2y+7। अब y की जगह वापस y का वैल्यू पुट कर दो, y कौन था, कौन था y, y को हमने किसको y रखा था 7x-3, तो ये मेरा आ जाएगा 2 7 जा 14x, और माइनस का 2 3 जा 6 और प्लस का 7, तो ये मेरा आ गया 1, तो आई गेट 14x+1, तो ये मेरा आ गया इस फंक्शन का वैल्यू, किसका, f ऑफ g ऑफ x। एक बात और याद रखना, इसको ऐसा भी बोलते हैं f o g x, एक ही बात है, कई लोग शॉर्ट में इतना तक बोल देते हैं ओनली f o g, बोले x तो है रहता ही है ना, वेरिएबल है तो रहेगा ही, बोलने वाली क्या बात है। तो ये हो गया मेरा f o g या f o g x या f ऑफ g ऑफ x, क्लियर है गाइस। एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू 2x+1, और आपको पूछा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये निकालना है, तो पहले मैं जी लिखूंगा, फिर एफ एक्स की जगह एफ एक्स का वैल्यू लिखूंगा ऐसा, फिर मैं एक्स स्क्वायर की जगह थोड़ी देर के लिए वाई लिखूंगा, अब सोचूंगा जी वाई कहाँ है, ये कुछ मैंने गलत लिख दिया गाइस, नहीं 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 सही लिखा बिल्कुल, यहाँ एफ एक्स था तो एफ एक्स की जगह मेरे को एक्स स्क्वायर लिखना था, एक्स स्क्वायर लिख दिया, अब एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए वाई लिख दिया, तो ये जी वाई हो गया, तो जी एक्स से मेरा 2x+1, तो जी वाई मेरा हो जाएगा 2y+1, और वाई की जगह वापस वाई का वैल्यू रख दिया, तो मेरा आंसर आ गया 2x²+1। इज दैट क्लियर गाइस। तो यदि आपको क्वेश्चन करे कि f of 1 सपोज ऐसा निकालना है, तो ये g ऑफ f ऑफ x आ गया ना, तो इसमें x की जगह 1 रखना, तो ये जो मेरा फाइनल आंसर है इसमें x को 1 रख सकता हूँ, 2 1 जा 2+1, तो मेरा आंसर आया 3। इसी को निकालने का एक शॉर्टकट भी है, केवल इतना पूछा हो g ऑफ f ऑफ 1, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, इस 1 के बिल्कुल जस्ट पास में कौन सा फंक्शन है f, तो इस 1 को f वाले में पुट करो, तो f वाले में 1 पुट करूंगा तो 1² क्या आया 1, अब ये जो आंसर आया उसको इस g वाले में पुट करो, तो g वाले में x या 1 पुट करेंगे तो 1 2 जा 2+1 3, सो माई आंसर इज 3। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं गाइस, इज दैट क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे टाइप के और भी फंक्शन होते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक होता है डोमेन ऑफ फंक्शन, निकालना पड़ेगा डोमेन, कई बार दिया नहीं रहता, कोई फंक्शन यदि आपको दिया है जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने स्टार्ट किया था क्लास लेना आज, तो मैंने सबसे पहले यही एग्जांपल लिया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि मैं नेचुरल नंबर से बाहर नहीं जाऊँगा, तो ये डोमेन क्वेश्चन देने वाले ने दे दिया, लेकिन क्वेश्चन देने वाला यदि पूछ रहा है कि डोमेन तुम बताओ, तो जब हम बताएंगे तो हम तो फ्री हैं, चाहे जो लेंगे, हमारा जो मन करेगा लेंगे, बस रियल नंबर आंसर आना चाहिए, तो एक्स को 1 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, 1/3-1 कुछ भी ले सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा, यदि हमें निकालने का बोले तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन में सारे रियल नंबर हम अलाउ करेंगे, इज दैट क्लियर। तो डोमेन किसी फंक्शन का वो होता है जिसके वैल्यू पुट करने पे हमें रियल नंबर आंसर आ जाए, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एफ एक्स इक्वल टू √x, अब बताओ डोमेन क्या होगा, क्या अब सारे रियल नंबर ले सकते हो, नहीं, क्योंकि निगेटिव नंबर यहाँ अलाउ नहीं करेंगे, अंडर रूट में निगेटिव हो तो रियल नंबर नहीं होता है गाइज, तो गाइज यहाँ पर डोमेन के अंदर आएंगे नंबर 0 से इनफाइनाइट तक सब चलेंगे, बस माइनस के नहीं चलेंगे, 0 खुद भी चलेगा, इनफाइनाइट एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए कभी भी इनफाइनाइट पे ऐसा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट,
इसमें वो नंबर भी इंक्लूड होता है। इज दैट क्लियर? जिनको ब्रैकेट की नॉलेज नहीं है गाइज, वो समझ लो जैसे ऐसा ब्रैकेट लगाया और 2, 5 ऐसा लिखा है, मतलब इसमें 2 भी शामिल है 5 भी शामिल है। ऐसा लगाया तो 2 शामिल नहीं है 5 शामिल है, 2 से 5 तक सब चलेगा मगर 2 खुद नहीं चलेगा। और यदि ऐसा लगा दिया और ऐसा लगा दिया तो इसका मतलब 2 शामिल है 5 शामिल नहीं है, और ऐसा मतलब दोनों तरफ ओपन है, मतलब 2 भी शामिल नहीं है और 5 भी शामिल नहीं है। और इनफाइनाइट नेचुरल मतलब रियल नंबर होता ही नहीं है, तो उसके साथ कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे गाइस। इज दैट क्लियर? चलिए और एक डोमेन का क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आपको बात समझ में आएगी। एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 4x प्लस 7। लॉगरिथम का एक रूल ध्यान रखना, एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि लॉग के साथ जो भी चीज़ होती है ना वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी जीरो नहीं होगी। जीरो का लॉग डिफाइंड नहीं होता है, नेगेटिव नंबर का लॉग जैसे -5 नहीं होता है। तो इसका मतलब पक्का हो गया कि ये जो 4x प्लस 7 है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इस बात को ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 4x ग्रेटर देन -7 होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन -7/4 होना चाहिए। मतलब डोमेन का मतलब इसमें क्या क्या मैं ले सकता हूँ, तो 7/4 माइनस का उससे बड़ा वैल्यू यानी कहीं तक भी जाएगा तो चलेगा, ये खुद नहीं लेना है बस। तो ये इस तरह से डोमेन निकाल लिया हमने इसका। और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। एफ एक्स इक्वल टू 1/x, कोई पूछे इसका डोमेन बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा x की जगह सब ले लो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता, 1/ कुछ तो आएगा ही आएगा। लेकिन गाइज x को मैं जीरो नहीं ले सकता क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, बस जीरो नहीं चाहिए तो -0 ऐसा लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइज? अब यदि मैं एफ एक्स इक्वल टू लेता हूँ 1/x-3, तो बस आप तो इतना याद रखो कि डिनोमिनेटर कहीं आता है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि x-3 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, यानी कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, ये मेरे को यहाँ पर लेना है, ये मेरा डोमेन हो गया। इज दैट क्लियर गाइज? और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -5x+4। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अब अंडर रूट के अंदर कोई चीज है गाइस तो वो हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो ऐसा होना चाहिए, जीरो भी चलेगा। इसके फैक्टर कर लेते हैं तो ये आएगा x-1 x-4। अब 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ी होगी तो ये कर लोगे खुद से, नहीं तो मैं भी क्या कर सकता हूँ ना, अब आपकी हेल्प है ना, करूँ क्या कुछ, चलो बता ही देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस स्प्लिट करेंगे इसको तो क्या आएगा, -4x-x+4। याद आ रहा है कुछ आपको, ऐसा किया होगा आपने तो ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करा, x कॉमन लिया x-4, -1 कॉमन लिया x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा मेरा x-4 x-1 ≥ 0, क्योंकि x-4 फिर से कॉमन ले लिया था मैंने गाइस, ठीक है ना, यही तो मैंने लिखा है यहाँ पर। तो जब भी इस तरह के ब्रैकेट्स आ जाएं और आपको x के वैल्यू निकालने हो तो मैं आपको एक नया मेथड सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीख लेना, इसको हम लोग बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। यहाँ पे लिखेंगे प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट। इसको जीरो करें x-1 को तो x क्या आएगा 1, और इसको जीरो करें तो 4, एक जगह लिखो 1 और एक जगह लिखो 4। अब वेवी कर्व ऐसे बनाते हैं, इस तरफ से आएगा ये पक्का, इधर से ही लाना है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आ गया। अब आप ऐसे याद रखना कि 4 से ज़्यादा वैल्यू पे कर्व हमेशा ऊपर दिख रहा है, मतलब 4 से ज़्यादा वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करोगे तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, और 1 से 4 के बीच के पुट करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट, लाइन के नीचे मतलब नेगेटिव और लाइन के ऊपर मतलब यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। इज दैट क्लियर गाइज? आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आपको ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, और 0 आ जाए तो भी चलेगा,
तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ आएगा, माइनस इन्फिनिटी से वन। एक तो ये यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव आ रहा है, ये तो लेना ही नहीं है। फोर से इनफाइनाइट में पॉजिटिव आ रहा है तो फोर से इनफाइनाइट भी चलेगा, खुद फोर को ले लें तो चलेगा, खुद वन को ले लें तो चलेगा, बस इनफाइनाइट के साथ तो कभी आता ही नहीं है क्लोज ब्रैकेट। तो ये इस क्वेश्चन का वो हो गया डोमेन, मतलब ये आंसर हो गया। इज दैट क्लियर गाइस? ये ब्रैकेट क्लोज तभी लेना जब यहाँ ग्रेटर के साथ इज इक्वल टू भी हो, नहीं तो क्या होगा, जैसे आपने फोर रखा और फोर यहाँ रखेंगे तो फोर माइनस फोर जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, और यहाँ ग्रेटर देन जीरो है तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ इज इक्वल टू जीरो है तो ही यहाँ पर इसको लेना, नहीं तो यहाँ भी क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये बात हो गई मेरी डोमेन वाली, डोमेन क्या होता है, डोमेन कैसे निकालते हैं। कई बार फंक्शन ऐसे दे देंगे जहाँ पर दो दो फंक्शन आपको मिक्स, यानी कि दो फंक्शन का प्लस दिया रहेगा और उस केस में आपको डोमेन निकालना रहेगा। ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ, जहाँ पर दो फंक्शन लेंगे हम और फिर डोमेन निकालेंगे। एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स, लॉग का बेस 10 है। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो गाइज मैं आपको डोमेन निकालना सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। तो जब भी कोई फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन का टोटल हो तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे। तो पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ, इसको कोई नाम दे दें कि अपन, जैसे जी एक्स इक्वल टू वन अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि फोर माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, बताया था ना ऐसा मैंने, यानी कि फोर नॉट इक्वल टू, इस माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स इज फोर नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू फोर, तो एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर फोर नहीं हो सकता, मतलब एक्स का वैल्यू प्लस टू भी नहीं हो सकता और माइनस टू भी नहीं हो सकता। तो ये तो आ गया इसका डोमेन। इज दैट क्लियर गाइस? अब हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसका भी कुछ नाम रख देते हैं, जैसे एच एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स। अभी अभी मैंने बताया था कि लॉग के साथ वाली चीज़ जीरो से बड़ी होनी चाहिए, मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए। एक्स कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो से बड़ा होना चाहिए, फिर इसके टुकड़े करूँगा तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये पता है ना फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ, है ना, और नंबर लाइन बना करके और मैं अब यहाँ पर x को जीरो लेता हूँ तो जीरो आएगा मेरा वैल्यू, इसको जीरो लेता हूँ x प्लस वन को तो माइनस वन आएगा, और इसको जीरो लेता हूँ x माइनस वन को तो प्लस वन आएगा। तो ये तीन वैल्यू मेरे को नंबर लाइन पे लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा कौन माइनस वन, इससे बड़ा कौन जीरो, इससे बड़ा कौन वन। कर्व किधर से आएगा, हमेशा इधर से याद रखना, हमेशा उधर से ही लाना है, ऐसा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे या निगेटिव आएंगे, या पॉजिटिव आएंगे और यहाँ पर निगेटिव आएंगे। अब मुझे कैसे रिजल्ट चाहिए थे, ग्रेटर देन जीरो वाले, मतलब पॉजिटिव वाले ही चाहिए, तो इसका मतलब माइनस वन से जीरो एक तो ये लेना पड़ेगा, और यहाँ इज इक्वल टू का साइन नहीं है, ध्यान से देखो नहीं है ना, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका मतलब मेरे को ऐसा ब्रैकेट लगाना है, माइनस वन से जीरो पे पॉजिटिव है और कहाँ पॉजिटिव है, वन से इन्फिनिटी पे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। इज दैट क्लियर गाइस? अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आंसर किस टाइप से आपको लिखना है। याद रखना गाइस, आंसर लिखने के लिए आपका जो डोमेन होगा वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। दोनों को सेटिस्फाई करने की लैंग्वेज का मतलब क्या है, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से आपको बताता हूँ, है ना, कि जैसे मान लीजिए कि
आपका बर्थडे है और आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और आउट ऑफ जॉय है, आपके फादर ने आपको बोला कि जा बेटा मार्केट जाके आओ और तेरे खूब सारे ड्रेसेस लेके आ जा, कम से कम 5 तो लेके आना ही आना, चाहे जितनी लाना उससे ऊपर। लेकिन जैसे ही आप घर से निकलने लगे, आपकी मदर ने रोक लिया कि 10 से ज़्यादा किसी हालत में मत लाना ड्रेसेस। अब फादर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है और मदर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, तो फादर ने बोला कि 5 से इनफाइनाइट तक कितनी भी लेके आना, और मदर ने बोला कि 10 से कम लाना ड्रेसेस, मतलब 0 to 10। अब दोनों को सेटिस्फाई करना है तो कितनी ड्रेस लाना पड़ेगी, 5 से 10 के बीच में ही हम ला सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो जो कॉमन सॉल्यूशन है वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, +2 नहीं लेना, -2 नहीं लेना और ये सब लेना, तब हम आंसर कैसे लिखें? -1 से 0 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको ले लो। अब -2 तो वैसे भी इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि -1 से तो ये चालू ही हो रहा है, 0 तक जा रहा है। 1 से इन्फिनिटी को लेना तो है, लेकिन उसमें आप +2 को अलाउ नहीं कर सकते, तो हम आंसर को कैसे लिखें? एक तो -1 से 0 यूनियन 1 से 2, 1 को खुद को नहीं लेना, 2 को तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, खुद 2 को नहीं लेना, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 शामिल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब 1 खुद भी नहीं लेना, 2 खुद भी नहीं लेना, 1 और 2 के बीच के सब चलेंगे, 2 और इन्फिनिटी के बीच के सब चलेंगे, 2 नहीं चलेगा। सो -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी मेरा आंसर हो गया। कई लोग इस आंसर को ऐसे भी लिखना चाहते हैं, जैसे -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, फिर वो बोलते हैं कि अब इसमें से 2 ही तो नहीं चाहिए बस, और तो सब चाहिए ही चाहिए, -2 नहीं चाहिए था तो वो तो वैसे भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, -2 से तो बड़ा ही होता -1, तो वो बोलते हैं कि लास्ट में फिर यहाँ -2 लिख दो अलग से, -2 चलेगा मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आप चाहें तो ऐसा लिख लें, आंसर आप चाहें तो ऐसा लिख लें गाइस, ठीक है गाइस? तो आपको समझ में आया डोमेन का फंडा, डोमेन कैसे निकालना। अब एक क्वेश्चन है जैसे रेंज निकालना, वो भी समझा देता हूँ। रेंज क्या होता है, रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज का मतलब ये होता है कि किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मतलब कम से कम कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, fx = 1/3x + 7, इसका मेरे को रेंज निकालना है। तो जब भी रेंज निकालना हो तो एक चीज याद रखिएगा, fx की जगह y रख दो, ठीक है? अब आप ये देखो कि इसको सॉल्व करके x कैसे लाना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x + 7 = 1/y। मैंने इसको उधर ले लिया और y को अपॉन में ले लिया, चलेगा? ऐसा कर सकते हैं। तो 3x = 1/y - 7, तो 3x = मैं LCM में y ले लेता हूँ तो ऊपर क्या आएगा, 1 - 7y, तो x = आ गया 1 - 7y / y। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? अब हम ये सोचें कि हम y को क्या नहीं ले सकते, या ऐसे सोच लो कि क्या ले सकते हैं, मतलब y को क्या ले लें जिससे x हमेशा रियल नंबर आ जाए। मैं y को 1 रखूंगा तो रियल नंबर आ जाएगा 1 - 7 - 6/1, हो गया ना रियल नंबर। मतलब मैं y को कुछ भी रखता जाऊंगा तो कुछ तो आएगा ना x का वैल्यू, रियल नंबर ही तो आएगा। बस एक को छोड़ के y को मैं 0 नहीं ले सकता, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं y को 0 नहीं ले सकता, तो यानी कि इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी ऑल रियल नंबर्स, किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के।
आई होप दैट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बात समझ आ रही है। कई लोग यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि सर ये जो 3x+7 है इसको भी तो अपन जीरो नहीं ले सकते, इस बात पे कुछ डिस्कशन करें क्या? हालांकि ये पूछा नहीं है, ठीक है भाई, 3x+7 को जीरो नहीं ले सकते, यानी कि 3x को मैं -7 नहीं ले सकता, यानी x को मैं -7/3 नहीं ले सकता, है ना, यही बातें चल रही ना अपनी, ठीक है। अपने काम करते हैं, यहाँ रख के देखते हैं x की जगह -7/3 क्या होता है। 1 - 7y/, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ रह गया है, 3 यहाँ पर आएगा बस, हालांकि ये आंसर वही रहेगा, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, 3y जीरो नहीं ले सकते, ये बात तो अपनी रहेगी एज इट इज। बस मैं यहाँ पर जो 3y भूल गया था लिखना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 से 3 कैंसल, इस y को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ -7y = 1 - 7y, ये क्या हो गया, 0 = 1, not equal to चल रहा था, ये तो इक्वल टू थोड़ी ना चल रहा था, है ना गाइस, मतलब ये नहीं ले सकते इसको जीरो, तो ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं, ये चीज गलत थी तो वैसे भी तो गलत ही रिजल्ट ला के दिया इसने, है ना, ये यहाँ तो मैंने कर दिया बाय द वे वाई को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन कभी भी वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम बहुत केयरफुल रहना है आपको, इनइक्वालिटी में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, लेस देन और ग्रेटर देन में तो हाँ, पक्का हो कि वो चीज़ पॉजिटिव है तो चलेगा, इज दैट क्लियर। जैसे कि 5 बड़ा है 1/2 से, पक्के से बड़ा है, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये पॉजिटिव नंबर है, तो 2 5 + 10 बड़ा है 1 से, बिल्कुल चलेगा। तो इसका जो रेंज है वो आ गया r - 0, मतलब रेंज में कभी 0 नहीं आएगा, सच में भी नहीं आएगा, आप सोच के देख लो, fx = 1/3x+7। आप यदि x को 1 रखते हो तो आंसर आएगा 1/3, 1 + 3 + 7 = 10, x को 2 रखते हो तो 1/2, 3 + 6 + 7 = 13, ऐसे आता जाएगा, और x को जब आप इनफाइनाइट रखोगे तब जा करके ये 0 आएगा 1/∞, तो लेकिन इनफाइनाइट तो रियल नंबर होता ही नहीं है ना, इसलिए हम अलाउ भी नहीं करेंगे, इसलिए रेंज में 0 भी कभी आ नहीं सकता। तो ये हमने चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करी। एक और एक क्वेश्चन, मैं एक नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ बट लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन मेरा ये है, f1 f1 2 f2 3 f3 --nfn = n² fn, तो आपको ये बताना है कि यदि f1 का वैल्यू हो 240 तो f10 का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं गाइस। अब देखना मैं इसको कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कैसे इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, आप समझने का ट्राई करना। ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है ना, इसलिए राइट में भी n दिख रहा है। यदि सीरीज को मैं सिर्फ 3 तक ले जाऊँ तो मैं क्या लिखूँगा गाइस, f1 f1 + 2 f2 + 3 f3, क्या लिखूंगा मैं इसको राइट में, ये 3 तक जाएगी तो n भी 3 लिखूंगा, तो 9 f3, 3 का स्क्वायर 9 लिख दूँ डायरेक्ट चलेगा आपको ऐसा। और यदि इसी को मैं 2 तक ले जाऊँ तो 1 f1 + 2 f2
इक्वल टू, बस ये दो तक ही ले जा रहा हूँ, तो इधर भी दो आएगा n की जगह, तो टू स्क्वायर क्या फोर एफ टू, तो वन इंटू एफ वन, एफ वन कितना है 240, ये आ गया मेरा 240, और ये 4f2 में से 2f2 इधर लाके माइनस करूँ तो 2f2 बचेगा, तो फाइनली आ गया 240 बाय 2, 120 आ गया, किसका वैल्यू, f2 का वैल्यू आ गया 120, समझ आया होगा आपको आई होप। आप कभी ऐसी बातें मत सोचना कि जैसे f1 प्लस f2 इक्वल टू f3 होता होगा, ऐसा तो मत सोचा करो आप कभी भी, कई लोग इतना तक सोच लेते हैं स्पेशली नॉन मैथ्स वाले, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, प्लीज़। ये तो वैसी ही बात हो गई कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना गाइस, तो इस तरह की बातें नहीं सोचना है आपको। अब 1 इंटू f1, तो 1 इंटू f1 यानी f1 का वैल्यू तो है मेरे पास ये रहा 240, प्लस 2 इंटू f2 का वैल्यू मेरे पास है 120, तो ये 3f3 इधर आएगा, तो 6f3 कर लेता हूँ माइनस हो जाएगा, तो ये 240 प्लस ये भी 240 हो गया, तो ये 480 इक्वल टू 6f3, तो गाइस इससे मेरा f3 कितना आया 80 आ गया शायद, है ना, 6 से कैंसिल होगा तो 80 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझना, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रेंड एक सीरीज बनती दिखती है, जैसे मेरा F1 था वो कितना था 240, इसको ऐसा लिख दूँ चलेगा 240 अपॉन 1, F2 कितना आया 120, यानी कि 240 का आधा, फिर F3 कितना आया वो भी देख लेते हैं, कितना 80, यानी कि 240 बाय 3 आया, कुछ समझ आया, जब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ रहा है, जब यहाँ 2 है तो 2 आ रहा है, जब 3 है तो 3 आ रहा है, तो गाइज आपको क्या पूछा उन्होंने F10, तो F10 जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 240 बाय 10, यानी कि कितना आया 24, दैट इज माय आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन से एग्जाम में जब आएंगे तो बहुत अच्छे से उनको करना। एक और क्वेश्चन इस टाइप का मैं देता हूँ आपको, जैसे f(1) प्लस f(2) प्लस f(3) प्लस डैश 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 f(n) इक्वल टू n स्क्वायर fn, और साथ में दिया हुआ है f1 इक्वल टू 2022, फाइंड f 2022। कईयों को दिल में ऐसे आता है कि F1 2022 है तो F 2022 1 होता होगा, और फिर ऑप्शन में भी लोग 1 लिख भी देते हैं कई लोग एग्जामिनर, तो गाइस ये ज़िंदगी इतनी आसान तो नहीं है जितना हम सोचते हैं, है ना। तो देखो इसको अपन कैसे करें, इसको भी वैसे ही करते हैं जैसा मैं भी सिखा रहा था, F1 प्लस F2 प्लस F3 3 तक ले जाऊं तो ये इधर राइट में भी 3 लिखेंगे, तो 3 स्क्वायर f3 9 f3, और 2 तक ले जाऊं तो f1 प्लस f2 इक्वल टू 2 ले रहा हूं मैं ये, तो इधर भी 2 का स्क्वायर 4 f2, यानी कि f1 इक्वल टू ये 2 f2 इधर आएगा तो 3 f2 बनेगा, तो f1 कितना मेरा 2022 इक्वल टू 3 f2, तो मेरा f2 क्या बना 2022 बाय 3, F2 इक्वल टू 2022 बाय 3। अब ये मेरा F1 कितना था 2022, प्लस F2 आ गया मेरे पास ये 2022 बाय 3, प्लस F3 को मैं इधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा मेरा 8 F3। इसका मतलब मैं F3 निकालूं तो ये क्या आएगा, एक बार मैं खुद देख लेता हूँ सॉल्व करके गाइस, ये मेरा आएगा 3 LCM, और ये आ जाएगा 6066 प्लस 2022 8000 6066
और ये आ जाएगा 2022, तो ये 8808088 आएगा, 8088 आएगा ऊपर और नीचे। एलसीएम वाला 3 आएगा जो ये वाला है, यहाँ फोन में कुछ नहीं है तो 1:1 और 3 का एलसीएम 3, और ऊपर जो आएगा वो मैंने यहाँ रफ में सॉल्व करके ये लिख दिया। और ये जो 8 है ये भी तो अपॉन में आएगा यहाँ पर। यस नो, कोई डाउट हो तो बता देना इसके अंदर। क्लियर गाइस? तो मैं इसका आधा करूँगा तो 4 आ जाएगा, और इसका आधा करूँगा, मैं इसको 4 से काट लेता हूँ है ना, तो ये 2 आ जाएगा, और ये 4 से कैंसिल होगा तो 2022। ओके, कई बच्चे बोलते हैं सर इसको भी वापस काट लो 2 और 2022 को, तो नहीं, मैं तो कई बार हर बात तो नहीं मानता हूँ बच्चों की ना, नहीं मेरे को नहीं काटना, और मेरे को चाहिए भी सही है 2 नीचे, क्यों चाहिए मैं आपको अभी अभी समझाऊंगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत समझ में भी आएगा, और आपको लगेगा यार ये मैथमेटिक्स कितनी अजीब है ना, पता नहीं कब क्या सोचती है, कब क्या सोचती है ना। अब आप देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको चीज़ों को समझना। F1 कितना था गाइस? 2022, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख दूँ चलेगा। F2 कितना आया था गाइस? F2 ये रहा, हाँ ये रहा ना, 2022 डिवाइडेड बाय 3 था ना ये, तो इस 3 को लिख रहा हूँ मैं 1+2, चलेगा। अब मैं लिख रहा हूँ F3 ये रहा मेरा 2022 डिवाइडेड बाय कितना है, 3 2 6 है ये, तो 6 को लिख सकते हैं 1+2+3। कुछ समझ में आया गाइस? जब यहाँ 1 है तो ये 1 तक जा रहा है, जब 2 है तो ये सीरीज मेरी नीचे 2 तक जा रही है, जब 3 है तो नीचे कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, और आपको क्या निकालना है, F2022। तो गाइज F2022 = देखो सब में ऊपर तो 2022 आ ही रहा है, तो वो तो मेरे को लिखना ही लिखना है, और नीचे जो सीरीज है वो कहाँ तक जाएगी, 1+2+3+... Up to 2022। अब गाइज एक फार्मूला आपको याद नहीं हो तो याद दिला देता हूँ, नेचुरल नंबर के सम का n1 से n तक का टोटल होता है n(n+1)/2, तो ये मेरा बनेगा F2022 = 2022 / 2022 × 2023/2, इस फार्मूले से। ये फार्मूला नहीं पता हो तो याद रखना गाइज, ये तो इससे कैंसिल हो गया 2022, तो फाइनली ये 2 पलट के ऊपर जाएगा और नीचे क्या बचा 2023, तो F2022 आ गया 2/2023। इज दैट क्लियर गाइस? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइस।